न्यूटन का द्वितीय नियम मालूम होना चाहिए। ये बहुत पूछा भी जाता है एग्जाम में और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद में हम समझेंगे, ठीक है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ध्यान रखना, कोई वस्तु है और उस पर क्या है, बल लगाया गया है, तो लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु की बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, परिभाषा को और एक बार समझते हैं। देखना, कोई अगर वस्तु है, मान लिया जाए कि कोई वस्तु है, मैंने वस्तु है और उसको बल लगाया जाए, तो क्या होता है, वस्तु त्वरित होती है। अरे त्वरण, बार बार हम त्वरण की बात करते हैं, त्वरण वास्तव में है क्या, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक बार समझ लेते कि त्वरण ने तो पता लगा कि पूरा ये न्यूटन के द्वितीय नियम तक पहुंच गया, हमें त्वरण क्या होता है ये नहीं मालूम, ठीक है ना। तो त्वरण का मतलब क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कि कोई वस्तु है कि इस प्रकार से गति कर रही है और उस पर बल लगाया जाए, या तो सपोज करें कि कोई वस्तु स्थिर है और उसको उस पर इधर से बल लगाया जाए, तो वस्तु क्या करेगी, उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण उत्पन्न होगा मतलब प्रति सेकंड इसकी गति में परिवर्तन होगा, मतलब ये वस्तु सपोज करें कि इस प्रकार से गति करते हुए एक समान गति में आ रही थी, हमने इस पर इधर से ठोकर मारी, तो प्रति सेकंड कुछ वेग से इसके वेग में वृद्धि हुई, प्रति सेकंड इसके वेग में वृद्धि हुई, तो ये त्वरण है। पहले का मतलब हम मोटरसाइकिल चला रहे, एक्सीलेटर दिया, त्वरण बढ़ा मतलब स्पीड बढ़ी, वेग बढ़ा उसका, और वेग बढ़ा मतलब प्रति सेकंड, मान लिया जाए कि प्रति सेकंड एक मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो क्या हो गई, तेज चलने लगी, या तो फिर हमने ब्रेक लगाया तो मंदन हुआ मतलब त्वरण कम हुआ, ऋणात्मक त्वरण हुआ, तो ये त्वरण है। कहने का मतलब वेग में परिवर्तन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ये क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, ठीक है। पिछले चैप्टर में काफी ज्यादा डिटेल में पढ़े थे अपन इसको। अब त्वरण का मतलब सीधी बात है कि एक्सीलरेटर देना जिससे वेग में वृद्धि हो। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान की बात की है, इसमें किसकी बात की है, द्रव्यमान तथा वस्तु पर उस वस्तु की बल की दिशा में, बल की भी बात की है, किसकी बात की है, बल उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, त्वरण की बात की, बस हो गए त्वरण। देखना, हम यहां पर मान लेते कि माना किसी वस्तु का द्रव्यमान, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ये बॉल है और इसका द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम है या 1 किलोग्राम है या 2 किलोग्राम है, जो भी है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और बल यफ इस पर बल कार्य कर रहा, यफ बल है और बल की दिशा में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ये त्वरण ये है, तब क्या बोला है इसमें, देखना, किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसी वस्तु पर लगाया गया बल, देखना मैं अपने मन से कुछ नहीं लिख रहा हूं, जैसा जैसा परिभाषा में लिखा उसी के हिसाब से चल रहा हूं, लगाया गया बल किसके अनुक्रमानुपाती होती है, उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर मान लिया जाए कोई बल लगा रहा है हम किसी वस्तु पर और उसका जो द्रव्यमान रहेगा उस द्रव्यमान की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होती है, हम इसकी समीकरण देख देते हैं। यहां पर यह भी बोला है कि उसका जो त्वरण है त्वरण के भी अनुक्रमानुपाती होती है,
उन किसी वस्तु पर लगाया गया बल, लगाया गया गया बल उसी दिशा में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। तब क्या होगा, यह अनुक्रमानुपाती क्या होगा, त्वरण होगा, इसको समीकरण दो दें। तब समीकरण एक और दो से, समीकरण एक हुआ दो से, देखना यम के समानों का अनुक्रमानुपाती है और ये जो बल है वो उसके त्वरण के भी अनुक्रमानुपाती। परिभाषा क्या बोल रही है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, बल ये है बल, यम वस्तु के द्रव्यमान, यम द्रव्यमान, द्रव्यमान तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब इसका और इसका जो गुणनफल होगा उसके अनुक्रमानुपाती होता है कुल बल। बल बराबर से क्या होगा, बल का अनुक्रमानुपाती क्या होगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण। जहां पर हम इसको लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू के एम ए, देखना अनुक्रमानुपाती है ना, बल के द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो K क्या है, यहां पर एक नियतांक है, K एक नियतांक है, जहां K एक नियतांक है, ठीक है। अभी यहां पर देखना, हमें ये पता चल गया कि जो बल है, बल क्या है, के एम ए। अगर सपोज करें कि ये एक बॉल है, एक किलोग्राम बॉल, एक किलोग्राम की बॉल है, और हम क्या कर रहे हैं, इस पर बल लगा रहे हैं, तो कितना बल लगा, एक किलोग्राम की बॉल पर बल लगा रहे हैं, तो कितना बल लगा, क्या हुआ, इस बॉल पर मैंने बल लगाया तो इसमें क्या है, त्वरण उत्पन्न हुआ। और सपोज कर लेते कि जब जब एक किलोग्राम, एक किलोग्राम, इसको मैं समीकरण तीन दे देता हूं, जब एक किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर, द्रव्यमान की वस्तु पर, वस्तु पर बल लगाने पर क्या, एक न्यूटन बल लगाने पर, एक न्यूटन बल लगाने पर, बल लगाने लगाने पर एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तब देखना कितना बल लगाया जा रहा है, एक न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, इज इक्वल टू एक न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, ठीक है, एक न्यूटन का बल लगाया जाए बराबर से के, और द्रव्यमान कितना है, एक किलोग्राम, और त्वरण कितना है, एक एक मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तब समीकरण तीन से, समीकरण तीन से के का मान वन रख दो, तो समीकरण तीन से क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू एम ए, इतना यहां पर आया। ये बात समझ में आई नहीं आई, ये यहां से थोड़ा सा गड़बड़ है, देखना।